The next topic is about the measuring instrument, and it is 1.6 and measuring instruments. ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों यूज़ हो रहे हैं? हमने कहा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें चाहिए, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो मेयरेबल हैं. अब अगर मेयरेबल क्वांटिटीज़ हैं तो उनको मेयर करने के लिए हमें कोई स्केल चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए. तो वो जो है इंस्ट्रूमेंट जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेयरमेंट्स देते हैं, उनकी वैल्यूज़ को जो है डिफ़ाइन करते हैं, हमें उनकी मेयरमेंट देते हैं, वो होते हैं मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. जिस तरह जो है मॉडिफिकेशन होती गई, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आते गए फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेयर करने के लिए. जिस तरह अब जो है अर्लियर टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक बीम बैलेंस यूज़ होता था वेट मेयर मास मेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को. दैट इज़ लाइक तराजू. ठीक है, दो पैन्स होते थे, एक हमने स्टैंडर्ड जो है वेट रखा होता था वो एक पैन में रखते थे, जो दूसरा मास हमें कैलकुलेट करना होता था दूसरे पैन में होता था. तो वो इतनी एक्यूरेट मेयरमेंट नहीं होती थी. इसी तरह सन डायल्स से हमारे पास वाटर क्लॉक्स थी, बट फर्दर मॉडिफिकेशन होती गई जिस तरह तो हमारे पास जो है एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज जो है इंस्ट्रूमेंट भी आते गए. इसी तरह जो है फर्स्ट वन इज़ अबाउट द मीटर रॉड. ठीक है, मीटर रॉड जो है लेंथ को मेयर करने के लिए यूज़ होता है. ये सिमिलर टू स्केल होता है. हम छोटे स्केल आमतौर पे यूज़ करते हैं या चलिए स्टैंडर्ड में हमारे पास इतना होता है, बट ये जो 1 मीटर का होता है बड़ा सा, उसको हम मीटर रॉड कहते हैं. और वो मीटर रॉड लेंथ को मेयर करने के लिए यूज़ होता है. और वो कितने मीटर का होता है? 1 मीटर, मतलब 1 मीटर तकरीबन इससे भी बड़ा होता है. अब 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर्स हैं. अगर इस स्केल के ऊपर पूरा लिखा जाए दैट इज़ ऑफ 1 मीटर, तो इट मीन्स यहाँ से जो हम इसके ऊपर स्केलिंग करना स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 10, 20, 50, इस तरह से 100 सेंटीमीटर्स तक हमारे पास इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं. अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. ठीक है, अब इस तरह हमने देखना है कि अगर 10 मिलीमीटर्स हैं 1 सेंटीमीटर में, तो मीटर रॉड कितनी एक्यूरेट लेंथ को मेयर कर सकता है. जिस तरह अभी 0, 10, देन हमारे पास आ जाएगा फर्दर 20, 40 एंड सो ऑन. मतलब इसने 100 तक कंप्लीट करना है, 100 सेंटीमीटर्स, देन ये हमें कंप्लीट 1 मीटर देगा. तो इससे एक मीटर रॉड से हम कितनी लेंथ मेयर कर सकते हैं एक्यूरेटली, देखें ये कितना होता है, ये हो जाएगा 1 मीटर. ठीक है, तो इससे जो अप्रोक्सीमेटली जो कंसीडर की जा सकती है एक लेंथ, वो होती है 1 मिलीमीटर. इससे कम जो है आप एक मीटर रॉड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है. और प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग किसी भी लेंथ को मेयर करने के लिए लेते हैं वो होती है मीटर रॉड. आमतौर पर हमने बड़ी वैल्यूज़ लेनी होती हैं, इसलिए हम उनकी जो है उसको ले लेते हैं कि मीटर रॉड से ही कैलकुलेट कर लेते हैं. जिस तरह आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हारमोनिक्स के, सिंपल पेंडुलम के, तो आपको थ्रेड से लेके बॉब तक की जो लेंथ है वो मीटर रॉड से जो है मेयर करनी होगी. इसलिए आपको मीटर रॉड यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए. तो अब हम लोगों ने देखना है कि अगर रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन हैं और हम लोग किसी भी चीज़ की लेंथ मेयर कर रहे हैं, तो उसको देखने के कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप उसको परफेक्टली नहीं देख रहे, आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपकी वैल्यूज़ ख़राब आएंगी. जिस तरह अगर आप मीटर रॉड से जो लेंथ लेनी है उसको कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो आई है वो वर्टिकल होनी चाहिए ऑन दैट पोजिशन. लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई बार रखी है वो है 20 सेंटीमीटर्स की. ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर्स पे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है कि वो 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है. अब मैं अगर इसको अपनी लेफ़्ट साइड से देखना शुरू कर दूँगी तो मुझे वैल्यूज़ आगे शो होनी शुरू हो जाएंगी, लाइक कि वो 20 से ज़्यादा है उसकी वैल्यू. अगर मैं इस साइड से खड़े होकर देखना शुरू कर दूँगी तो मुझे बैकवर्ड नज़र आएंगी कि ये वैल्यू कम है यहाँ से.
ठीक है, तो वो एक्यूरेसी उतनी नहीं आती और हमारी रीडिंग्स गलत हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके पास सीए मीटर रॉड है तो आपने बिल्कुल उसको वर्टिकल रख के उसके ऊपर पोजीशन को नोट करना है। तो ये हमारे पास मीटर रॉड लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है और ये मोस्टली लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वाली हम देखें, अगर हमारे पास होती है टेप, ठीक है, मीटर टेप, जिस तरह रॉड है इस तरह नंबर टू पे है मेयरिंग टेप। मेयरिंग टेप का भी काम क्या है कि वो लेंथ को ही मेयर करती हैं, बट ये होती किस तरह की है कि एक इस तरह का बना होता है, ठीक है, उसके अंदर से जो है हमारे पास ये मीटर निकल रहा होता है और इसके आगे जो प्लास्टिक या स्टील की एक नॉब सी लगी होती है जिससे किसी भी चीज़ के साथ उसको अड़ाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी स्केलिंग हुई होती है सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। अब उस टेप से क्या होता है कि इसको मोस्टली जो है इंजीनियर्स यूज़ करते हैं या ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मीटर रॉड देखेंगे तो मीटर रॉड एक ये जिस तरह बार है या डस्टर है, इसको मीटर रॉड से इजीली कैलकुलेट किया जा सकते हैं। बट अगर कोई टेबल है लाइक इसी को अगर मैं वर्टिकल खड़ा कर लूँ तो और इसकी ऊपर से नीचे तक लेंथ हो उतना, मैं यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मुझे उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेप यूज़ करते हैं, मेयरिंग टेप। उसके आगे जो नॉब सी लगी होती है उसको यहाँ अटैच कर दिया, देन वो मूव नहीं करेगी, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी कि वो हिलती रहे या एक्यूरेट मेजरमेंट ना दे सके और आपका हाथ इतना लंबा ना हो कि आप पूरे मीटर रॉड को दोनों साइड से पकड़ सकें। इसलिए हम उसके लिए लेंथ को मेजर करने के लिए मेयरिंग टेप यूज़ करते हैं और ये मोस्टली इंजीनियर्स, ब्लैकस्मिथ और कारपेंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। जिस तरह अब एक टेबल है, एक चेयर है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें कैलकुलेट करना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मीटर रॉड को यूज़ करना। तो हमने स्पेसिफिक स्केल बनाए हुए हैं हर चीज़ की मेयरमेंट के लिए। जिस तरह अगर मुझे वेट या कोई भी चीज़ मेयर करनी है एक चेयर की, ठीक है, और मैं उसको फिज़िकल बैलेंस पे तो नहीं रख सकती, लाइक तराजू वगैरह में उस चेयर को नहीं रख सकती, उसके लिए मुझे एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा उसको मेयर करने के लिए। इसी तरह अगर मेरे पास एक नीडल है, बिल्कुल सुई है बारीक सी, उसको मैं मीटर रॉड से नहीं कैलकुलेट कर सकती उसकी लेंथ को, क्योंकि वो बहुत बारीक है और इसकी एक्यूरेसी है, इसका लीस्ट काउंट है या जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है मीटर रॉड से वो है वन मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने हर हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट स्केल, एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है डिज़ाइन किया है कि वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सके अकॉर्डिंग टू दैट द मास और अबाउट द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह मेयरिंग टेप हो गई, मेयरिंग टेप हमारे पास जो होती है 10 मीटर्स की भी होती है, 20 की भी होती है, 30 की होती है, 50 अप टू 100 मीटर्स तक की हमारे पास टेप होती है, 100 मीटर्स, जिसमें इंचेस भी होते हैं, कुछ इंचेस में दी गई होती हैं टेप्स या कुछ सेंटीमीटर्स में दी गई होती हैं। अब इनकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि कुछ में मेटल यूज़ किया गया होता है वो पूरा रॉड बनाने के लिए, ठीक है, कुछ में कॉटन का जो कपड़ा है उस चीज़ को यूज़ किया गया होता है, और ये छोटी सी होती है, ये कैरी करना भी इजी होती है, आप उसको कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं क्योंकि मीटर रॉड की थोड़ी लेंथ होती है, लंबा होता है एंड वो फोल्ड नहीं हुआ होता या उसको फोल्ड कर भी नहीं सकते क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है या किसी और चीज़ का बना होता है तो वो फोल्ड नहीं हो सकता। इसलिए टेप जो है वो एक तो फोल्ड भी हो जाती है, छोटी सी होती है, इजी टू कैरी होती है, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह जिस तरह मैंने पहले बताया है कि चेयर का मास या इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम एक फिज़िकल बैलेंस को यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी मेयरमेंट लेने के लिए, उनकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम या मास वगैरह, हमें उनकी स्पेसिफिक डिज़ाइन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं को यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये है अबाउट लेंथ, ठीक है, इसी तरह ये मेयरिंग टेप भी था अबाउट लेंथ, क्या हम इससे लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मीटर रॉड भी हमारे पास लेंथ के लिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्नियर कैलिपर पे। अब हमें अगर जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर हमें एक नीडल के लिए कैलकुलेट करना है, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, उसके डायमीटर को कैलकुलेट करना है,
तो ऑब्वियसली मीटर रॉड यूज़ नहीं हो सकता या मेयरिंग टेप यूज़ नहीं हो सकती। उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। और अब हम इसको ड्रॉ करेंगे कि वर्नियर कैलिपर किस तरह का होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसकी वर्किंग क्या है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इससे एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकें। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ को एंड इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पे इसके जो हैं दो हमारे पास स्केल्स आ रहे होते हैं, एक इसका मेन स्केल होता है, एक इसका वर्नियर स्केल होता है। जिस तरह से ये अभी आएगा एंड ये इसके जॉज होते हैं, इस तरह से बने होते हैं और इसके ऊपर स्केलिंग के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, इस तरह ये इसकी मेटल सी की एक स्ट्रिप होती है एंड पे। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी स्केलिंग हुई होती है 0 to 10 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसी तरह अंदर भी स्केलिंग हुई होती है और ये सेंटीमीटर्स में हुई होती है। ठीक है, 12 centimeters तक। अब ये क्या है, ये इसका है फिक्स जो। ठीक है, ये फिक्स्ड ही रहेगा, इसको हम मूव नहीं करवा सकते। अब फिक्स जॉ के साथ हमारे पास ये मेन स्केल जो है ये अटैच हुआ है, मेन स्केल, ठीक है, जो कि अटैच है फिक्स जॉ के साथ। ये है मूवेबल जॉ, मूवेबल भी कहते हैं इसको या आउटर जॉ भी कहते हैं, आउटर जॉ मूवेबल। ये इसके ऊपर जो स्केल मेंशन है ये है वर्नियर स्केल। ठीक, और ये हमारे पास एक उसी तरह रॉड है जो कि फिक्स रॉड है फिक्स जॉ से। अब इसमें करते क्या हैं, इसमें कैलकुलेशन किस तरह से ली जाती है। सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन देख ली कि उसमें दो तरह के हमारे पास स्केल्स आ रहे हैं, वन इज़ द मेन स्केल, द सेकंड वन इज़ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कौन सा है, जो वर्नियर के जो आउटर जॉ या मूवेबल जॉ के साथ जो स्केल अटैच हुआ है। ठीक है, और मेन स्केल कौन सा है जो कि फिक्स जॉ के साथ अटैच हुआ है। यहाँ पे बाकी इसकी स्केलिंग जो है 0 to 12 centimeters तक हुई होती है, इनको मिलीमीटर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल की डिवीजन होती हैं दैट इज़ फ्रॉम 0 to 10। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है कि सबसे पहले आप इसका ज़ीरो एरर चेक करें। ये मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रही हूँ, फिक्स जो एंड दैट इज द आउटर जो या मूवेबल जो। ठीक है, सबसे पहले इसको किसी भी मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर वो होता है कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो, यहाँ पे इसको मैं एक अच्छी सी डायग्राम बना रही हूँ इसकी ताकि इसको क्लियर हो जाए। ठीक है, ज़ीरो देन 1 एंड ये 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 10। ठीक है, अगर तो ज़ीरो वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल ज़ीरो एंड मेन स्केल ज़ीरो अटैच कर जाते हैं देन देर विल बी नो ज़ीरो एरर। ठीक है, दोनों को कोइंसाइड करना मस्ट है क्योंकि जब भी यहाँ पे एक नोब लगी होती है, ठीक है, छोटा सा गोल दायरा होता है जिससे आप मूव कर सकते हैं वर्नियर स्केल को। जब आउटर जो मूव करेगा तो ऑब्वियसली वर्नियर स्केल जो है उसके साथ साथ मूव करेगा क्योंकि वो उसी से अटैच है। अब ज़ीरो अगर वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का अटैच नहीं हुआ, कोइंसाइड नहीं हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पे ज़ीरो एरर है। और अगर आप उस ज़ीरो एरर को रिमूव नहीं करेंगे आपकी मेजरमेंट टोटली गलत आएगी। तो सबसे पहले ज़ीरो एरर को कैलकुलेट किया जाता है,
देन उसको मेजरमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस के वो कौन सा वाला जो है वो ज़ीरो एरर है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ज़ीरो एरर क्या है और ज़ीरो एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, इफ़ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ज़ीरो एरर टू टाइप्स के हैं। नंबर वन इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है, एंड नंबर टू इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। दोनों का थोड़ा फंक्शन डिफरेंट होता है क्योंकि हमने इसमें ये कैलकुलेट करना होता है कि अगर ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव आ रहा है ज़ीरो एरर तो हमें उसको रीडिंग में ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे होगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे होगा। अगर ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का ज़ीरो दैट इज़ ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, यहाँ पर वर्नियर स्केल भी ड्रॉ कर दिए, वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाए, सॉरी राइट साइड पे मूव कर जाए, जिस तरह ये फिर कंडीशन ये बन जाएगी कि मेन स्केल का ज़ीरो यहाँ पे है और यहाँ पे वन है अगर, तो ये इस लाइन के साथ वर्नियर स्केल का ज़ीरो अटैच हो गया, 1, 2, 3 up to 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ज़ीरो राइट साइड पे मूव कर गया है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे मूव कर गया, राइट साइड पे। उस एरर को क्या कहते हैं जो कि राइट साइड पे मूव कर जाए, दैट इज पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो कोइंसाइड नहीं किया बल्कि वो मेन स्केल जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट साइड पे चला गया। इसी तरह अगर हम लोग नेगेटिव ज़ीरो एरर देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा कि मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, 1, 2, 1, 2, 3 up to 10। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो इसको कोइंसाइड करना ज़रूरी है कि अगर ज़ीरो जो है अटैच नहीं होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से, तो हमारी रीडिंग गलत आएगी। अब हम लोगों ने जॉ को बंद तो किया, बिल्कुल फिक्स किया और फिर भी ज़ीरो लाइन ज़ीरो पे नहीं आई, तो ज़ीरो एरर तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इससे फर्दर इसको आगे मूव नहीं करवा सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल अटैच हो चुके हैं यहाँ पे। या ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम थोड़ा इसको ओपन रहने दें, उससे तो बिल्कुल ही वैल्यू हमारी गलत आएगी, इनको आपस में अटैच ही होना चाहिए। तो अब उसको रिमूव करने के लिए हम जितना भी ज़ीरो एरर आएगा उसको इस तरह से करेंगे कि अगर ये ज़ीरो अटैच हो रहा है इस लाइन से, टू लाइन से, ठीक है, या हमारा ज़ीरो इस तरह अटैच हो रहा है कि यहाँ वन से ही स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3 up to 10। ठीक है, तो उस वन को उस वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब वो लीस्ट काउंट क्या होते हैं कि लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो के काउंट की जा सकती है फ्रॉम द डिवाइस, ठीक है, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमारे केस में अभी फ़िलहाल हम वर्नियर कैलिपर को पढ़ रहे हैं, तो हमारे केस में क्या होगा कि अगर एक सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें 10 मिलीमीटर्स आएंगे। अब 10 मिलीमीटर में सिंगल 1 मिलीमीटर भी होता है जो कि एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है। यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स आ रहे हैं, मतलब 10 लाइंस हैं। ठीक है, ये 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर्स हैं एंड दीज लाइंस आर 10, दैट इज 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 एंड अप टू 9 मिलीमीटर्स। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 या ये 0.1 होगा, 0.2, 0.3, इसी तरह हमारे पास वैल्यूज चलती जाएंगी। तो एक सबसे स्मॉलेस्ट मिलीमीटर में क्या वैल्यू आ रही है, 1 मिलीमीटर।
ठीक है। अब 1 मिलीमीटर को इस पूरे वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स है उससे जब डिवाइड किया जाएगा तो वो हमारे पास होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा कि एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि ली जा सकती है फ्रॉम द स्केल, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल से जो हम एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं दैट इज 1 मिलीमीटर इन आर केस, द एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल कौन सा है, जो हमारे पास ये स्केल है, ठीक है, दैट इज द वर्नियर स्केल। और इस वर्नियर स्केल के कितने डिवीजंस हैं, 0 to 10, मतलब 10 डिवीजंस हैं। और हमारे पास इसका जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल क्या है, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो इसको किस तरह से करेंगे, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, इट विल गिव अस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये एक लीस्ट काउंट है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। अगर 0.1 मिलीमीटर तक लेंथ होगी किसी भी चीज़ की, डायमीटर होगा, तो हम उसको वर्नियर स्केल से या वर्नियर कैलिपर से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आएगा, अगर उसका 0.01 हो जाए तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमने स्टडी की है कि वर्नियर कैलिपर में क्या है कि एक हमारे पास डिवाइस है जिसमें एक फिक्स जॉ है, एक उसका आउटर जॉ है, वर्नियर स्केल है, एक फिक्स स्केल है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजंस हैं, उन 10 डिवीजंस में हमने उसके ज़ीरो को काउंट करना है कि ज़ीरो एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वो राइट साइड पे मूव कर रहा है देन इट विल बिकम पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया है तो वो होगा हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। और फिर हमने लीस्ट काउंट को मेजर किया है कि एक स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइस से, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किस तरह कैलकुलेट होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मेन स्केल की है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजंस जो हैं हमारे पास 10 है, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। अब हमने इसको देखना है कि इसकी वर्किंग किस तरह की जा सकती है एक जो है रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि हमने कह दिया है कि अगर ज़ीरो एरर आ रहा है तो उसको किसी तरह रिमूव भी करना है ना। तो अब उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी, लाइक अभी यहाँ पे, यहाँ 1 जो है 1 पे आ रहा था, 0 अटैच हो रहा था वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जा रहा था, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, जो वैल्यू आएगी और फिर जो हम वर्नियर स्केल से उसके रीडिंग लेंगे उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से, अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, तो उसको करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि नॉब को मूव करेंगे। ठीक है, नॉब पीछे जाएगा, ये वर्नियर स्केल पीछे चला जाएगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको इनके इसके दरमियान फिट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह करना है कि ये दोनों जो उसके जॉज हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाएं और उसको कैच कर लें। ठीक है, लाइक मुझे अभी इसको पकड़ना पड़े लेकिन यहाँ पे जॉज होते हैं तो ये बिल्कुल इसको हैंडल कर लेते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो जॉज हैं इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लें। फिर हमने देखना है कि वो कितनी पॉइंट्स मूव किए हैं मेन स्केल पे, वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग आ रही है, लाइक आगे मूव किया है 0, यहाँ पे आ गए और हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, लाइक सपोज हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर तक इसको कैलकुलेट किया है कि मेन स्केल की रीडिंग है 4। ठीक है, देन हमने वर्नियर स्केल की देखनी है कि वर्नियर स्केल पे होती हैं 10 डिवीजंस, उन 10 डिवीजंस में से देखना है कि कौन सी लाइन, क्योंकि ज़ीरो बिल्कुल उसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा मेन स्केल की रीडिंग के साथ, बल्कि कोई और वैल्यू होगी जो बिल्कुल कोइंसाइड करेगी मेन स्केल की रीडिंग के साथ। जिस तरह अभी ये 7, लेट सपोज 7 है, 7 ने कोइंसाइड किया है विद वर्नियर स्केल,
तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय लीस्ट कम 0.1 एंड देन फिर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, जो भी आएगी वैल्यू उसको ऐड करके फिर उसमें हमने बताना है कि जो ज़ीरो एरर आ रहा है उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ज़ीरो एरर हो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए देखें हमें क्या करना पड़ेगा, ये ज़ीरो एरर जो है यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया, इसने इतनी वैल्यूज़ छोड़ दी हैं। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ छोड़ने का मतलब क्या है कि हमें जो रीडिंग मिल रही है एक्यूरेट वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हुई है, फर्दर इतनी रीडिंग्स हमारे पास है ही नहीं, तो अब हमें पीछे की तरफ मूव करना है ज़ीरो पे आने के लिए कि हमारे पास ज़ीरो तक आ जाए रीडिंग। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए जो हमारे पास जितनी भी जो भी रीडिंग आ रही थी जहाँ ज़ीरो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा था, उस रीडिंग को पहले तो वर्नियर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको माइनस करेंगे, ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे फॉर पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमें हमारा ज़ीरो आगे मूव कर गया था, हमें उसे पीछे लाने ज़ीरो वैल्यू पे लाने, तो हमें पूरी वैल्यू में से उतना पोर्शन जब माइनस कर देंगे तो इट मींस हम अपने ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव ज़ीरो एरर को कंसीडर करना है, उसमें होगा क्या कि हमारा जो ज़ीरो है वो मैंने यहाँ से रेज कर दिया, यहाँ से 0, 1, 2, 3 एंड ये हमारा ज़ीरो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया, मतलब ये पीछे आ गया, अब हमें यहाँ से आगे जाना है। तो जब आगे जाना होता है तो हमें चीज़ को ऐड करना पड़ता है, उसी तरह से पूरी वैल्यू के अंदर हम ज़ीरो एरर को ऐड कर देंगे, ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक मेन पॉइंट होता है सबसे पहले प्रैक्टिकल में ज़ीरो एरर को रिमूव करने का, कि जो भी लाइन को इंसाइड कर रही है विद ज़ीरो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें और मेन रीडिंग में से अगर तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, मतलब ज़ीरो लेफ्ट राइट साइड पे मूव कर गया पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है, तो उसको हम माइनस करेंगे पूरी जो मेन हमारी रीडिंग आएगी। अगर हमारा नेगेटिव ज़ीरो है, ज़ीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया, देन जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें से उसमें ऐड करेंगे ज़ीरो एरर को। तो ये हमारा बेसिकली था अबाउट द वर्नियर कैलिपर। जैसे हमने देखे कि लास्ट वर्नियर कैलिपर में हम जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो है 0.1 मिलीमीटर। अगर हमें इससे भी छोटी कोई मेजरमेंट लेनी है, इससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, या एक नीडल के साइज़ की ही कोई ऑब्जेक्ट आ गई है उससे भी कम आगे जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, तो हम उसके लिए स्क्रू गेज यूज़ करेंगे। और लास्ट टाइम में मैंने जो वर्नियर कैलिपर आपको बताया उसमें एक चीज़ मिस कर गई थी, सॉरी, कि उसके जो अपर जॉज होते हैं, ठीक है, अपर जॉज जो थे, इट वॉज नॉट लाइक दैट, यू अपर जॉ और ये था लोअर जॉ, ये लोअर, इसमें अपर जॉ में क्या होता है कि हम इंटरनल डायमीटर जो है वो काउंट कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर जब मेजर करना होगा, लाइक ये कैप है, ठीक है, इसको इसके अंदर जब वो जाएंगे वर्नियर कैलिपर के अपर जॉस तो वो थोड़े मूव कर सकते हैं, उस मूवमेंट से हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, लेकिन हम लोअर जॉ से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अपर जॉ की जो लेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब उसकी वेट वो थोड़े फ्लैट टाइप स्मार्ट टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोअर जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, तो उसमें अगर हम कैप का डायमीटर फाइंड आउट करना चाहेंगे पूरा ही अंदर चला जाएगा और वो ओपन नहीं हो सकेंगे जॉस, इसलिए इंटरनल डायमीटर के लिए अपर जॉस यूज़ करते हैं, अपर जॉ, और एक्सटर्नल डायमीटर के लिए जिस तरह मुझे ये इसका बाहर से सरफेस का डायमीटर जो है फाइंड आउट करना है, तो एक्सटर्नल के लिए लोअर जॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। Now I'm going to start the screw gauge. Screw gauge मैंने जिस तरह पहले ही बताया कि जो है 0.1 मिलीमीटर तक वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग्स ले सकते हैं, बट अगर उससे मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज हमें वैल्यू चाहिए तो हम स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, ठीक है, स्क्रू गेज।
अब हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी डायग्राम किस तरह की होती है, ये किस तरह का दिखता है, देन हम उस पर डिस्कस करेंगे कि उसकी रीडिंग्स कैसे ले सकते हैं, उसका भी अगर जीरो एरर आ जाएगा तो वो किस तरह रिमूव होगा, या उसकी रीडिंग्स को किस तरह से लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसका लीस्ट काउंट क्या है। स्क्रू गेज किस तरह का होता है, एक यू शेप मेटल फॉर्म में होता है, ठीक है, ये यू शेप होती है, इसका यहाँ स्टड लगा होता है, ठीक है, दैट इज स्टड। अब ये होता है एक स्पिंडल, इसको स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल के ऊपर जो है फर्दर आगे बड़ा होता है, जिससे क्या होता है उसके ऊपर मेन स्केल की रीडिंग्स आती हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक यहाँ पे सर्कुलर शेप में थिम्बल बना होता है, दैट इज द सर्कुलर शेप। जिस तरह वर्नियर स्केल था इसी तरह इसका भी स्केल होता है, उसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में एंड एंड पे होती है रैचेट, रैचेट, ठीक है, एंड ये थिम्बल है। अब बेसिक डिफरेंस जो दोनों में आ रहा है, मेन स्केल के रीडिंग्स सेंटीमीटर्स में, सॉरी मिलीमीटर्स में होती हैं, 0, 5 एंड अप टू 10 एंड फर्दर ये मूव करेंगे। उसमें वर्नियर स्केल में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेन स्केल की रीडिंग्स थी वो हमने सेंटीमीटर्स में ली थी। अब सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है मिलीमीटर से, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर होता है 10^-2 और नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाती है, लाइक 2 जो है वो बड़ा होगा 3 से। पॉजिटिव में तो ये होता है ना कि हम 3 को कंसीडर करते हैं बड़ा, लेकिन जो नेगेटिव में आ रहा होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है एक्चुअल में। तो हम लोग हम कह ही रहे हैं कि वर्नियर स्कैलिपर से भी एक अच्छी चीज़ जो है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सेंटीमीटर्स में नहीं बल्कि मिलीमीटर्स में स्केल को दे रहा है हमारे पास। देन हमारे पास जो है वो सर्कुलर स्केल है। अब वर्नियर स्केल में ये डिफरेंस था कि उस पर 10 डिवीजंस थी, लेकिन इसका जो सर्कुलर स्केल है उस पर हमारे पास हैं 100 डिवीजंस, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होके जीरो सेंटर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्दर 1, 2, 3, ठीक है, और इसी तरह पूरे राउंड अबाउट में वैल्यूज होंगी और यहाँ तक आएगा 95, मतलब यहाँ पे 0, 5, 10, 25, इस तरह 10, 15, सॉरी, देन 20, 25 और यहाँ तक 95 एंड देन 0। तो हमारे पास ये जो है ये है स्पिंडल, स्पिंडल। अब इसको अगर देखा जाए तो ये रैचेट जो है ये एक नॉब सी होती है, जिस तरह ये मार्कर है, इसके पीछे जो ये ब्लैक सा लगा हुआ है, इसको अगर मूव किया जा सकता हो तो आगे से जो है स्पिंडल मूव कर सकते हैं, वो आगे और पीछे मूव करता है, ठीक है, उसकी वजह से ये सर्कुलर रोटेशन भी होती है। अब रैचेट जब हम लोगों ने कोई अंदर इंस्ट्रूमेंट रख दिया होता है तो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है कि वो टाइट हो सकता है, दोनों साइड से स्टड और स्पिंडल उसको ग्रास्प कर लेते हैं, उसके बाद एक टिक की आवाज़ आती है, ठीक है, जिस तरह कोई हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमने वो लगाया होता है क्या सेट किया होता है टाइमर, ठीक है, तो वो टिक टिक करना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब रैचेट को हम टाइट करते हैं और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट फिट हो जाता है, सॉरी डिवाइस जो है या जो हम लोगों ने जिस चीज़ का मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, वो फिट हो जाती है तो ये एक टिक की आवाज़ आती है, उसका मतलब होता है उसके बाद उसको प्रेस नहीं किया जा सकता, उसके बाद उसको जो है सर्कुलर शेप में या राउंड शेप में उसको फर्दर घुमाया नहीं जा सकता। ये होती है इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन पे मिलीमीटर्स में रीडिंग्स हैं, मिलीमीटर्स, और ये सर्कुलर स्केल है जिसमें 100 डिवीजंस हैं। अब अगर इसका लीस्ट काउंट चेक करना हो तो उसी तरह से होगा, लीस्ट काउंट क्या है, एक स्मॉलेस्ट जो हम वैल्यू काउंट कर सकते हैं एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसी तरह आएगी कि इसमें जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है इसको कहते हैं पिच, ठीक है, स्क्रू गेज के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज़ कर दिया कि वो पिच है, ठीक है। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल, पिच ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ सर्कुलर स्केल। अब
अब यहाँ से अगर देखें, ये ज़ीरो, ज़ीरो के बाद 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4 एंड देन 5। तो सबसे स्मॉल रीडिंग जो है एक स्क्रू गेज से ली जा सकती है वो है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर तो मेन स्केल की, मतलब स्मॉलेस्ट रीडिंग है, पिच ऑफ मेन स्केल है, लेकिन अगर हम लोगों को सर्कुलर डिवियंस देखें तो वो है 100 तक, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर 100 तक जा रही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा दिस विल बी 1/100 और वो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। एंड ये बेसिक डिफरेंस है कि हम लोग जो मोर एक्यूरेसी और जो है प्रिसाइज वैल्यू के लिए स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है और हमारे पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। मतलब इस इतनी छोटी वैल्यू को भी हम स्क्रू गेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अब उसमें भी ज़ीरो एरर्स आते हैं। सबसे पहले जब हमने इसको बिल्कुल अटैच कर देना है स्पिंडल को स्टड के साथ, सबसे पहले तो यही चेक करते हैं ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कि वो ज़ीरो एरर तो नहीं है उसमें, कि वो एक्यूरेट रीडिंग देगा भी या नहीं। तो स्पिन स्टड जो कि यू शेप मेटल के साथ बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है पोर्शन, एंड देन स्पिंडल जो कि मूवेबल है, उस स्पिंडल को बिल्कुल अटैच कर देना है स्टड के साथ। जब टिक की आवाज़ आ जाएगी इसका मतलब है वो फर्दर जो है उसको मूव नहीं करवाया जा सकता, इट मीन्स उसको वहीं पर स्टॉप कर देना है। देन चेक करना है कि जो इंडेक्स लाइन है यहाँ पे सर्कुलर स्केल होगा, ठीक है, सर्कुलर स्केल उस टाइम पे इस जगह पे होगा और यहाँ पे ही इस सर्कुलर स्केल की ज़ीरो रीडिंग आएगी, ठीक है। अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ अटैच नहीं करेगा वर्नियर कैलिपर की तरह ही, कि उसका मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ अगर कोइंसाइड नहीं किया, इट मींस वहां पे ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। और कौन सा कर रहा है देन हमने उसको डिस्कस किया था। इसी तरह स्क्रू गेज में क्या है, अगर मेन स्केल का जो ज़ीरो एरर ज़ीरो है इंडेक्स लाइन पे वो अगर अटैच नहीं होगा सर्कुलर स्केल के ज़ीरो साथ, इट मींस के वहाँ पे ज़ीरो एरर है। और अब उसको किस तरह कैलकुलेट करना है कि वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें हम लोग अपर और लोअर जो है पोजीशन को काउंट करते हैं। जिस तरह वर्नियर कैलिपर पे हम लोग लेफ्ट राइट गए थे, इसमें क्या होता है अपर एंड लोअर, दैट इज़ फॉर स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज के लिए होता है। और वर्नियर कैलिपर के लिए हम लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल मेन स्केल के साथ ही स्केल चल रहा होता है, बट ये सर्कुलर फॉर्म में है तो हमें देखना पड़ता है कि ज़ीरो की वैल्यूज़ अप जा रही हैं, ज़ीरो से आगे जा रही हैं वैल्यूज़ या ज़ीरो से पीछे आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एरर फॉर स्क्रू गेज। ये मेन स्केल है, ठीक है, ये इसका ज़ीरो, यहाँ पे मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूँ इस पोर्शन को क्योंकि मैंने इसको बहुत रफली यहाँ पे ही बता दिया था। ये है सर्कुलर स्केल एंड ये मेन स्केल था 0, 5 एंड ये मिलीमीटर्स में चल रही थी और ये सर्कुलर स्केल है देन रिचर्ड है। अब इस पोर्शन को मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूँ थोड़ा क्लेरिफाई करके, 0, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा इसका सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर यहाँ पे है और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू अटैच हो रही है इंडेक्स लाइन से लाइक 5, 10, यहाँ पे 15, 20, 25, इट मींस ज़ीरो तो नीचे रह गया और ये आगे मूव कर गया, ठीक है, अपसाइड पे मूव कर गया, बिहाइंड द मेन स्केल चला गया। ज़ीरो जो है मेन स्केल का वो अटैच हो गया 10 से, ठीक है, इट मींस यहाँ पे ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो आगे की तरफ जा रहा है मतलब ज़ीरो पीछे रह गया है सर्कुलर स्केल का और आगे रीडिंग्स जा रही है जो कि अटैच हो रही है मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, तो इट मींस ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमें नेगेटिव ज़ीरो एरर देखना है, ये आ जाएगी इंडेक्स लाइन, ठीक है, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल है, जो ये सर्कुलर स्केल है, इसके रीडिंग्स किस तरह से आएंगे कि ज़ीरो पहले आ गए देन यहाँ पे 95 आ रहा है 90। अब यहाँ पे इसकी कौन सी वैल्यू अटैच हो रही है 90,
इट मीन्स कि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है और इसको रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने किया था। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। उसी तरह से जो लाइन सर्कुलर स्केल की ज़ीरो से अटैच हो रही होगी उसको वर्नियर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0.01 से। अब ये हमारे पास ज़ीरो करेक्शन, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, वो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही है, कि ज़ीरो पीछे रह गया और 10 आगे चला गया, तो हमें बैकवर्ड आना है, मतलब इतना पोर्शन हमें माइनस करना पड़ेगा, ये पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। अब मेन रीडिंग जो आ रही है, मेन रीडिंग में से जब हम ज़ीरो करेक्शन को माइनस कर देंगे, ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमें ये शो करेगी कि वो जो है हमारी रीडिंग वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, फर्दर जो है किसी और वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो रही, और अगर हो भी रही थी तो हमने उसको माइनस कर दिया फॉर द पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब अगर इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर है, हमारे पास यहाँ पर लाइन अटैच की है 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, यही इसका वो है लीस्ट काउंट, और इसको ऐड करेंगे क्योंकि ज़ीरो पहले आ रहा है और यहाँ से पीछे जाना शुरू हो गई हैं वैल्यूज़, तो हमें वापस ज़ीरो तक जाने के लिए इतनी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। और वो वैल्यूज़ कौन सी हैं, जिसको 90 थी जो कोइंसाइड कर रही थी ज़ीरो के साथ, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसी तरह मेन रीडिंग में उसको ऐड कर देंगे, मेन रीडिंग प्लस ज़ीरो एरर। तो हमने पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो ज़ीरो एरर नेगेटिव हो जाए, मतलब उसको माइनस करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से बहुत अच्छा याद रखा जा सकता है कि ऑपोजिट साइंस होते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर को कंसीडर कर रहे हैं तो हम मेन रीडिंग में से ज़ीरो एरर को माइनस करेंगे, और अगर हम नेगेटिव ज़ीरो एरर को कंसीडर कर रहे हैं तो मेन रीडिंग में उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। और इस तरह हमारे पास एक बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू आ सकती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि हमारे पास स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, जहाँ तक वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को काउंट कर सकता है, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। दैट वॉज योर स्क्रू गेज।